बोलो सच्चे दरबार की जय। हेलो कि हम बेटों का सम्मान है जग में और क्यों बेटी का मान नहीं, और मुझे बता दो दुनिया वालों ये बेटी या संतान नहीं। जिनको भजन की दो लाइन अच्छी लगी हो जरा ताली मेरे लिए नहीं इस बेटी के लिए बजाई जिसका जन्मदिन है। हिमानी चौधरी के लिए ताली है। क्यों कि बेटा अगर कुल और खानदान है तो बेटी हमारा सारा जहान है, अगर बेटी नहीं होगी तो बहू कहां से आएंगी, और बहू नहीं आएंगी तो जिन बेटों पर गर्व गुमान करते हैं उन बेटों को जन्म कौन देगा। आइए बहुत सुंदर सा एक बंधन आपके बीच में रखते हैं कि मुझे बता दो दुनिया वालों बेटी क्या संतान है, मुझे बता दो दुनिया वालों बेटी क्या संतान है, मुझे बता दो दुनिया वालों बेटी का संतान है, मुझे बता दो दुनिया वालों बेटी का संतान है। कुछ दिन पहले विनीत भैया प्रोग्राम था मुरादाबाद के साइड का, अमरोहा और मुरादाबाद के बीच में, बहुत बहुत धन्यवाद भाई सर, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रोग्राम मैं और सविता जी दोनों हम मुरादाबाद साइड में प्रोग्राम में थे। रात में फोन गया मेरे पास घर से, और फोन पर क्या घटना घटी, मेरे छोटे भाई ने फोन किया कि भैया पापा जी पता नहीं क्या हुआ बेहोश हो गए। मैंने कहा भाई आजकल बहुत सारी बीमारियां चल रही हैं, एक काम करो हॉस्पिटल ले जाओ। कह लगे आपको कितना टाइम लगेगा, मैंने कि अगर मैं चाहूंगा भी तो कम से कम 4 या 5 घंटे मुझे पलवल पहुंचने में लगेंगे, मैं जब चाहूंगा अच्छी तरह से भागम भाग मचाऊंगा तो कम से कम 4 या 5 घंटे लगेंगे। कह लगे हो सकता है इतनी देर में कोई अनहोनी ना हो जाए। मैंने कि भैया तुम पैसे ले जाओ और हॉस्पिटल ले जाओ, मैं सीधा हॉस्पिटल पहुंचूंगा।
तो मेरे मन में ख्याल आया कि मैं जो भजन कीर्तन करते करते घूम रहा हूँ इस पैसे के चक्कर में इधर उधर भाग दौड़ कर रहा हूँ, ये पैसा और ये जीवन मेरे किस काम का, अगर मैं माँ बाप की उस घड़ी काम नहीं आया जिस घड़ी के लिए उन्होंने हमें पैदा किया। माँ बाप ने उस घड़ी के लिए पैदा नहीं किया कि तुम बहुत सारा पैसा कमाओ, अंधे हो जाओ पैसे के चक्कर में। माँ बाप ने इसलिए पैदा किया कि ये संसार का नियम है कि जो जैसा करेगा उसको वैसा भरना पड़ेगा। हे मेरे लाल, हे मेरे बेटे, अगर कुछ कमाना है तो चार लोगों के दिल की ममता कमा लेना, पैसा तो जन कहां कहां मिल जाता है। अकाउंट में बहुत सारा पैसा होते हुए भी कई बार हम यूज नहीं कर पाते। बैंक में कर्मचारी होते हैं, बहुत सारी रकम होती है, रोजाना करोड़ों रुपए का लेन देन होता है, पर वो 10 रुपए भी इधर उधर नहीं कर सकते। तो हमारा कहने का मतलब ये कि अपने जीवन में कुछ ऐसा कमा लो कि जो हमें जब जरूरत पड़े तो एकदम से चार लोग खड़े हो जाएं, अरे भैया क्या हुआ, हम तेरे साथ। ये सबसे बड़ी दौलत है, मैं नहीं कमा पाया, मेरा दुर्भाग्य रहा। कहने का मेरा मतलब ये कि अगर मेरी तरह का नालायक बेटा किसी का हो तो हो सकता टाइम पर काम ना आए, पर किसी की बेटी हो तो वो बेटी दौड़ी दौड़ी नंगे पैर तक चली आती। ऐसे बेटा छोड़ चला जाए, बेटा छोड़ चला जाएगा, बेटी साथ न छोड़ेगी, छोड़ेगी जो साथ तो ये तो कुल से नाता जोड़ेगी, तो कुल से नाता जोड़ेगी, तो कुल से नाता जोड़ेगी। फर्क करे जो भैया नियत का छोटा है, भाई वो नियत का छोटा है, भाई वो नियत का छोटा है, इनमें अंतर करने वाला, इनमें अंतर करने वाला वो अच्छा इंसान है। मुझे बता दो दुनिया वालों तेरे क्या सनदार, मुझे बता दो दुनिया वालों तेरे क्या सनदार। संकट आंचल में रख लेती है, आंचल में रख लेती है, आंचल में रख लेती है। औरत है ममता की मूरत, औरत है ममता की मूरत, जाने सकल जहान यही, मुझे बता दो दुनिया वालों तेरी क्या सनदान है, मुझे बता दो दुनिया वालों तेरी क्या सनदान है। दुनिया वालों मुझे बता दो तेरी क्या सनदान है।